अस्सलाम आदाब, नमस्कार। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हुए हैं सरैया के आसपास से, बौद्ध प्लेस है। तो यहाँ पे एसी इंस्टॉल करना है 3 पीस। तो यहाँ पे भी 6 एसी इंस्टॉल किए थे। देखिए यहाँ पे ये 6 एसी इंस्टॉल हुआ था, अभी 3 एसी और यहाँ पर आया है। तो ये सब का ब्लॉग नहीं बनाए थे। अभी ये बौद्ध प्लेस है, देखिए इधर पूरा मंदिर वगैरह है, पूरा मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का मंदिर बन रहा है और ये टेंपल टाइप का है, तो यहीं पे एसी लग रहा है। अभी 6 एसी लग गया था, मतलब एक हफ्ता पहले लगाए थे, अभी 3 एसी और लगाने के लिए आए हैं। तो कहाँ कहाँ लग रहा है चलिए दिखाते हैं। हम आ गए हैं 3rd/2nd फ्लोर पे और दोनों साइड में रूम है ये, और यहीं पर एक एसी 3rd फ्लोर पर बचा हुआ था, उसमें लगाना है। ये साइड वाले वाल पर ही एसी लगेगा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके अपोजिट साइड वाले दीवार पे लगेगा, और आउटडोर जो है यहीं पे आएगा बाहर में। तो फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर दिखाते हैं। एक सप्ताह पहले जो एसी लगाए हैं वो दिखा रहे किस किस तरीके से लगा है, सेम उसी तरीके से सारा एसी लग रहा है। तो ये हॉल है, मीटिंग हॉल, और इसमें 1-2 टन का एसी लगाए हैं। ये जिस पोजिशन में लगा हुआ है सेम उसी तरीके से इस इंडोर लगना है, और कॉपर पाइप उधर से निकल जाएगा। 2nd फ्लोर का काम जो है चालू कर दिए, इंडोर का वायरिंग वगैरह सब कर दिए हैं, लाइट कटा हुआ था जब तक, और प्लेट ठोक दिए हुए थे। तो अभी लाइट आ गया है तब इसका होल करेंगे, और स्टैंड भी ठोक चुके हैं तो अब होल करेंगे, पाइप डालेंगे। 1 AC का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है, इंडोर भी चालू कर दिए हैं, और इसका आउटडोर जो है देखिए यहीं पर है, 10 फीट पाइप में ही पहुंचाना था तो यहीं पे आउटडोर ले लिए है। ये 3rd फ्लोर का लाइन से देखिए कितना सारा है, तो 7वां AC लगा है 3rd फ्लोर पे। अब इसके बाद 2 AC लगेगा 1st फ्लोर पे, ये 2nd फ्लोर पे लगा है और उसके बाद 1st फ्लोर पे लगेगा। तो ये चालू कर दिए हैं और इसको चेक करके फिर चलते हैं नीचा, नीचा में 2 AC इंस्टॉल करना है तो फिर वहाँ दिखाते हैं। फ्लोर का 1 AC कम्प्लीट करने के बाद हम आ गए हैं 2nd फ्लोर का, 1 AC कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं 1st फ्लोर पे। 1st फ्लोर पे AC जो लग रहा है सबसे लास्ट वाले रूम में लग रहा है, और इस पे लगभग 20 रूम है दोनों तरफ, ऊपर में भी वो सेम है नीचे में भी सेम है। और देखिए ये किस तरीके से नाम लिखा हुआ है, इस तरीके का नेम प्लेट है हर रूम के बाहर, और जो कि बाहर देश का है, जापानी टाइप का कुछ नाम है। तो यहीं पे ऐसे लग रहा है, तो अभी सबसे लास्ट वाले में लगा रहे हैं जहाँ पे इंडोर का होल भी हो रहा है और प्लेट वगैरह सब ठोक दिया, आउटडोर का भी प्लेट स्टैंड लग गया है, होल होगा उसके बाद उसको इंस्टॉल करके फिर ग्राउंड फ्लोर पे एक इंस्टॉल करना है। तो पहले इसको इंस्टॉल करते हैं फिर ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। आर पार हो गया, हो गया। इस रूम का जो एसी है कंप्लीट हो गया है, चालू कर दे, रिमोट से चालू करो ना इसको, पीछे होगा। चालू कर दिया, अब चल रहा है नीचा ग्राउंड फ्लोर पे एक एसी इंस्टॉल करना, उसके बाद निकलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के लास्ट में एक एसी इंस्टॉल करना है सबसे लास्ट वाले रूम में। तो फटाफट चलते हैं इसमें इंस्टॉल करते हैं। आज सभी रूम का जो साइड है सब सेम सेम है, मतलब कॉर्नर में ही लग रहा है सब। तो फटाफट इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं। सारा एसी लग के कम्प्लीट हो गया है, यहाँ पे आउटडोर लग गया है, और ये भी इधर अभी आउटडोर लग गया 1st फ्लोर पे भी, ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।